हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह अहमदाबाद इज्तिमा का ये इसका इंटरन आलिशान इज्तिमा है, इज्तिमा का गेट है। अब मज़ीद आपको इंशाल्लाह अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। इज्तिमा का इतनी बड़ी है कि हम पैदल चल रहे हैं, स्लो चला। ये कंपनी का है, वो भेज दे। ये पार्किंग एरिया है पूरा, माशाल्लाह पूरा पार्किंग एरिया है। ये लाइट के उस तरफ हमारे इसलाइन भी काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया है, इधर भी है। अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। ये इंट्रेंस गेट है, यहाँ से इसलाई भी उनकी चेकिंग होकर इज्तिमा गांव में दाखिल होंगे। अब ये मेन इज्तिमा गांव शुरू हो गया। अब तक जो आपने देखा वो पार्किंग एरिया था और वो पैदल एरिया था। यहाँ पर इसलाई भाई, यहाँ से इसलाई भी शुरू होंगे। मुख्तलिफ मकातिब होंगे यहाँ पर। माशाल्लाह एक पूरा शहर बसाया हुआ है, बहुत ही कोशिश इस्लाही भाइयों की। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हॉस्पिटल होगा पूरा। अंदर अंदर बुलाए मुझे भाई, अंदर गए। कहाँ से लाए? अंदर दे, चलो जब आप देखिए ये पानी है, पानी है। आपको देखकर ऐसा लगेगा मीना शरीफ की याद आ जाएगी। ये तंजीम मकातिब होंगे, दावत इस्लामी के शोभा जाते उनके मुख्तलिफ मकातिब होंगे। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर अगर कोई इस्लाम बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, वहाँ पर यहाँ पूरी डॉक्टर की टीम होगी, बाकायदा अच्छे से इस्लाम भाई का इलाज किया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं आलिशान मकतबतुल मदीना का बस्ता है, इसके अलावा दो मकतबतुल मदीना के बस्ते होंगे। चलो भाई अंदर का दिखाएं मस्जिद, फिर मदनी चैनल पे डालेंगे। है पकड़ भाई, बहुत हो गया। हमारे टाइम में बहुत जल्दी में माशाल्लाह ये पूरे इज्तिमा का देख रहे हैं आप। यहाँ से बैठने का निज़ाम रहेगा, इज्तिमा का शुरू हो रही है। क्या हो, कहाँ रुक? पानी की बोतल तो वहाँ मंगाई, इसको दिखा के वापस आते। पूरा इज्तिमा का है सलाना।
अच्छा बना है, सीधी गाड़ी अंदर, सीधी गाड़ी अंदर, ये अच्छा बना है। इस जगह पर मंड होगा, मैं तो मंच पूरा माशाल्लाह। ये पूरा प्रतिमा गायब दिखा नहीं सकते, इतनी मतलब है बड़ी जगह। उलमा और शख्सियत लिए यहाँ पर तरकीब रहेगी। माशाल्लाह अजीम उशान आली शान इज्तिमागा बनी हुई है। माशाल्लाह अहमदाबाद और गुजरात के इस्लामी भाई ने बहुत मेहनत है, बहुत कोशिशें की है। जो जो इस्लामी भाई देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सबसे अर्ज है इस तारीख की इज्तिमा को मिस ना करें। बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम के साथ ये इज्तिमा हो रहा है माशाल्लाह। मतलब मेरा कैमरा पूरी इज्तिमा दिखा नहीं सकता, अभी तैयारी ज़ोर शोर से जारी है, तकरीबन काम हो चुका है। अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। इंशाल्लाह इस इज्तिमागाह में जगह जगह पर बड़ी बड़ी आलीशान एलईडियां लगी होंगी, जिनके ज़रिए से जो बयान कर रहे होंगे और इज्तिमा को दिखाया जाएगा। और याद रहे इंशाल्लाह ये इज्तिमा पाक हमारा यूट्यूब की जो दावत इस्लामी हिंद की लिंक है, जो चैनल है हमारा दावत इस्लामी हिंद यूट्यूब, उस पर भी ये इज्तिमा वक्तन फ़ौक्तन लाइव दिया जाएगा। तो आपसे हर जगह जो यूट्यूब लिंक चल रही है उस पर जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और इज्तिमा के दिनों में और इसके अलावा भी आप उस पर हिंद की मुख्तलिफ इज्तिमा की और दीगर वीडियोस पाएंगे। तो इस चैनल को खूब खूब आम करें। जो जो इस्लाम भी सुन रहे बाद में देखेंगे, सबसे हर जगह माशाल्लाह अहमदाबाद के इस इज्तिमा गाह पर अभी हमारे रुकने शुरा सईद आरिफ अली अत्तारी दामद बरकात मालिया भी जलवा बार है। काफ़ी देर से इज्तिमा गाह का दौरा कर रहे हैं। जो इस्लामी भाई अहमदाबाद या अतराफ में, उनसे से कि आप इज्तिमा में तो आएंगे, लेकिन एक बार इस खाली इज्तिमा गाह को देखने ज़रूर आए, इंशाल्लाह आपकी आंखें ठंडी होंगी। और ऐसा लग रहा है कि ये इज्तिमा का जिस तरह की तैयारी हमारी छोटी पड़ेगी, हमारे रुकने शुरा और निगरानी काबिनात अजद भाई भी तशरीफ ला रहे हैं। आप सब सरजे के इज्तिमा पाक में ज़रूर शिरकत फरमाएं। माशाल्लाह रुकने शुरा और निगरानी काबिनात भी इज्तिमा का दौरा फरमा रहे और तैयारियों का जायज़ा ले रहे। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुझे सुनने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अहमदाबाद शरीफ में इज्तिमा गाह में मौजूद। बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है, बस आपका इंतज़ार है। दो दिन के बाद यानी 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अज़ीम शान पैमाने पर किसी जगह पर सुन लो दोबारा इज्तिमा होने जा रहा है। आइए शेख लाइए, नियत किए और कहिए इंशाअल्लाह अज़ीम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह रुकने शुरा की ज़बानी भी आपने दावत पहले भी मुलाहिज़ा की, अभी फिर रुकने शुरा ने आप सभी को दावत दी है। इमाम में आप खुद भी आए, आपको अकेले नहीं आना बल्कि सभी इस्लामी भाइयों को जितने ज़्यादा हो सके इस्लामी भाइयों को लेके आइए। मुल्क और बैरून मुल्क भी जो सुन रहे वो भी कोशिश करें हिंदुस्तान के इस इज्तिमा में आप ज़रूर शिरकत करें, इंशाल्लाह आपकी आँख ठंडी होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस इज्तिमा में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए और इस इज्तिमा को कामयाब बनाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।